बड़ा शौक है काफिरों को मुसलमानों से कंपेयर करके डिग्रेड फील करवाने का। एक राइटर का मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ इस राइटर ने क्या लिखा हुआ है, मैं इसका जवाब भी देता हूँ आपको। लिखा क्या है कि वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा जो काफिर लोग तैयार कर रहे हैं, उससे पहले इस वायरस का कोई इलाज क्योंकि है ही नहीं, लिहाजा जरूरत है अच्छा कि इसे रोका जाए, ये करें वो करें। अच्छा भाई, काफिर लोग तैयार कर रहे हैं, ये तंज मारने की जो हरकत की है इस राइटर ने, काफिर लोग तैयार कर रहे हैं ना। मार्केट में एक मुस्लिम, उससे हल ले लो कोरोना का, अब आओ कोरोना का हल लेना है ना, कोरोना वायरस खत्म कराने का, जिस चीज में तुम्हें अब से 1 से 1.5 साल लगेगा ना, उसका हल मेरे पास है अल्लाह के फजल से, और उस कोरोना वायरस को खत्म करवाना, तो बुला लो मुझे कोरोना वायरस के सेंटर्स के अंदर, मरीजों के अंदर, जहां पे मरीज फंस चुके हैं, जहां पे मेडिकल डॉक्टर अभी लगे पड़े हैं, मैं कोरोना वायरस में आता हूं, मैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के, और फिर देखते हैं कोरोना वायरस का अटैक मुझ पर होता है या नहीं होता, और उन मरीजों के साथ कोरोना वायरस में फिर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टेस्ट बताएगा कि होता है क्या है। तो ये कहना काफी लोग तैयार कर रहे हैं, इस तरह के बहुत से लोग पड़े हुए हैं सोसाइटी के अंदर, जिनका काम सिर्फ इतना है कि मुसलमानों को डिग्रेड फील करवाना, काफिरों के हाथों के सब कुछ काफिरों के पास है, सारी अकल काफिरों के पास है, सब कुछ बस वही कर सकते हैं, मुसलमान तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुस्लिम के पास पावर कहाँ है, मुसलमानों के पास क्या है। ये कंपेयर करके कि सिर्फ काफिर लोग जो है ना वो 1.5 साल में काफिर लोग तैयार कर रहे हैं, क्या कंपेरिजन करवा लो कि मुसलमानों में गट्स नहीं है, कि मुसलमानों में कोई नहीं आ सकता, मुसलमानों में से मैं आ तो चुका, अब अपने काफिरों को, अब तुम लोग जो राइटर्स हो ना, या पाकिस्तान भर के जितने एंकर हो, राइटर हो, रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, अब करो रिपोर्टिंग, अब बताओ ना पब्लिक को, अब बल्कि अब बताओ इंटरनेशनल मीडिया को, अब बताओ पूरी दुनिया को कि अगर किसी को कोरोना वायरस का हल करवाना है, अगर किसी को कोरोना वायरस खत्म करवाना है, तो पाकिस्तान में मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मुझसे जिशान अरशद से कॉन्टेक्ट करें, कोरोना वायरस खत्म करवाना है तो। अब बताओ अपने इंटरनेशनल मीडिया के काफिरों को, गैर मुस्लिमों को, जिनके तलवे चाट चाट के तुम लोगों ने अपने आप मुसलमानों को डिग्रेड फील करवाया कि तुम तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। और जितने बड़े यहाँ पे बड़े हमारे पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर बनते हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने क्या किया है, सारा तो कुछ सिर्फ गैर मुस्लिम वेस्टर्न वर्ल्ड करती है, वेस्टर्न वर्ल्ड जमीन पे घुटने टेक चुकी है मुसलमान इस वक्त। अब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने घुटने टेक दिए तो किधर है उनका साइंस, किधर है उनकी टेक्नोलॉजी, किधर है उनके खुदा का इंकार, मानो ना, अब उनको मनवाओ, उनको बोलो अब कराओ मुसलमान से इलाज, और अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करो सोल्यूशन कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में, अब लेकर आओ पाकिस्तान को नंबर वन के ऊपर, डॉलर चाहिए, कर्ज खत्म करवाना है तो वजीर आजम इमरान खान साहब को बता दो भाई कॉन्टेक्ट कर लें ऑफिशियल्स के थ्रू, मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं देता हूँ सोल्यूशन कोरोना वायरस का, दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, और इन जैसे जो लोग हैं ना कि कोरोना वायरस काफिर तैयार कर रहे हैं, उनके 1.5 साल लगेंगे यार, रेडी बैठा हूँ लेके मैं सोल्यूशन कोरोना वायरस का, अल्लाह के हुक्म से करवा रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन कर रहे हैं, पाकिस्तान में परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैसेज दे रहा हूँ ना, मैसेज ईमेल्स कर रहा हूँ ना मैं इनको, क्या हैशटैग कर रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, अकल नहीं काम कर रही, या दिलों के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, कुफल चढ़ा हुआ है, क्या हुआ हुआ है, खोपड़ियाँ नहीं चल रही क्या इन लोगों की, तो नहीं चल रही तो फिर ठीक है मरो, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो बता रहा हूँ खुल के सब कुछ दे रहा हूँ, वीडियोज बना चुका, इंग्लिश में वीडियोज बना रहा हूँ, उर्दू में वीडियोज बना रहा हूँ, फेसबुक के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, ट्विटर के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, मेरे कुछ ऑफिशियल प्रोफेशनल अकाउंट मैंने इस वजह से सस्पेंड कर दिए गए कि मैंने कोरोना में बात क्यों कर दी कि मेरे पास सोल्यूशन है, और मैं क्या करूँ, कॉमन सेंस की बात है, क्लियर क्लियर एक चीज दे दी बता दी कि करवा लो भाई खत्म, और ऊपर से वो मार्केट में आ गए जो है टोट के शोट के बताने वाले, कर लो खत्म फिर कोरोना वायरस सेंटर में जाके जाओ ऑफर करो हुकूमत को गवर्नमेंट को कि भाई हम आने को तैयार है कोरोना खत्म करेंगे, बल्कि कोरोना का वायरस का पूरा हल दुनिया में पेश कर सोल्यूशन देंगे कि वोट के भी खत्म करो फिर जो मर रहे हैं लोग, अजीब तमाशा बनाया हुआ कोरोना के नाम पे, जब एक चीज सामने है कि भाई सीधा सीधा कोरोना का हल खत्म करवाओ, कोरोना का वायरस का हल मौजूद है मेरे पास रखा हुआ है, उसको खत्म करवा लो, बचा लो लोगों की जानों को, नहीं बचाना चाहते हम लोग, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा हूँ हर किस्म के नाटकी किस्म के टाइप के लोगों की वीडियो वायरल कर रहे हैं फैला रहे हैं कि भाई ये कर लो खा लो अफ्यून खा लो कोरोना खत्म हो जाएगा, ये दुआ पढ़ लो कोरोना खत्म हो जाएगा, और पहला तो आप प्रैक्टिकल टेस्ट करो ना अपना, जरा कोरोना के मरीजों में हाथ मिलाओ जाके मिलो, जो भी ये कह रहे हैं ना जिनके पास कोरोना के इलाज है उनको कोरोना सेंटर में इनवाइट करो, उनको मेरी तरफ से जो है ना उनको भी इन्विटेशन है, वो भी आ जाए ना मेरे साथ, उनको भी बुला लो भाई, कोरोना के सेंटर में चलते हैं, मरीजों से मिलते हैं, हाथ मत मिलाते हैं, बैठ के साथ उनके खाते पीते हैं, और फिर मशीनों पर टेस्ट कराते हैं कोरोना वायरस के साथ किसके साथ क्या हुआ है, वो वायरस है भाई कोरोना वायरस, तो उसको जो हल्का लेके बैठा हुआ है ना उसको समझ में नहीं आती भाई, दुनिया के अंदर ना असबाब के तहत काम होते हैं,
तो असबाब के तहत ही काम और उसका हल लिया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाए तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एंटीवायरस उसको खत्म करता है। आपकी दुआ करने से, बैठ के बातें करने से जो है ना, वो एंटीवायरस उस तरह खत्म नहीं हो जाता, असबाब के तहत होता है। तो ये जो कोरोना वायरस है उसको एंटीवायरस ही खत्म करेगा, और उसका एंटीवायरस मेरे हाथ में इस वक्त, कोरोना वायरस का एंटीवायरस, ठीक है? ये एंटीवायरस है, एंटी कोरोना स्मोक है इसके अंदर, एंटी कोरोना वायरस, एंड ये स्पिरिचुअल एंटी कोरोना वायरस बत्तियां, और एंटी कोरोना वायरस स्मोक, और मैं हूं एंटी कोरोना वायरस मुस्लिम। अब करवा ले दुनिया मुझसे इलाज कोरोना वायरस का, जब तक ये सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं अपना लगे रहे। करवाना है तो कांटेक्ट कर ले मेरे से ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की हुकूमत और गवर्नमेंट, कर दे दो मैं हेल्प अल्लाह के फजल से, और खत्म करा देते कोरोना पाकिस्तान में। जितने मरीज हैं, डॉक्टर छोड़ो, एक क्वारंटाइन सेंटर में मुझे बुला लो, मैं डील कर लेता हूँ भाई, सारे जितने कोरोना के पेशेंट हैं वहीं पे बुला लो, इकट्ठे एक ही जगह पे काम खत्म कर देते सबका, उनकी जान का नहीं मतलब कोरोना का। तो ये थी फिलहाल बात, वह जिसको देखो मुंह उठा के काफिर जो है वो ये कर रहे हैं, काफिर वो कर रहे हैं, मुसलमान तो कुछ भी नहीं है, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है, और जलील करवाना मुसलमानों को और तमाशा बनवाना। अब करवा मुसलमान के हाथ से, और इनको बोलो काफिरों को ही नहीं, काफिरों को बोलो कलमा पढ़ना शुरू कर दो। अब कलमा पढ़े बैठ के, इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाए, सीधी सीधी बात है। अल्लाह हाफिज़।